पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की नई भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। तो 253 पदों पर जिलेवार नई भर्ती निकाली गई है। चलिए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से जनपदों में कितनी कितनी पोस्ट और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पोस्ट के लिए रखा गया, इसमें से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में नई पोस्ट निकाली गई है 253 पदों पर, जिसके लिए उत्तराखंड के लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से यहाँ पर 28 दिसंबर 2023 की पोस्ट है। इसमें पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं 253 पदों पर, जो कि आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आप लोग देखते हैं पदों की संख्या 253 पद हैं और इसमें यहाँ पर जो DU की पोस्ट हैं वो निकाली हैं, ठीक है। और ये आउटसोर्स के माध्यम से हैं और इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर 13 जनवरी 2020 को जो है अनुमति जो है देने की बात करी गई है इसमें। और PDF हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इसमें देखते हैं 13 जनवरी 2023 में अनुमोदित कर दिए गए हैं और इसमें यहाँ पर ज़िलेवार आपकी पोस्ट है, ठीक है। इसमें देखते हैं 9 जनपदों की, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल। इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है राजकीय पशु चिकित्सालय में जो है आउटसोर्स के माध्यम से 253 पदों की पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट हैं इस तरह की, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं। इसके लिए जो है पूरी विज्ञापन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। होता था आपका पुराना नोटिफिकेशन और इसमें आप देखते हैं यहाँ पर 9 जनपदों का पूरा सूची हो चुके हैं और न्यूनतम योग्यता आपके इंटरमीडिएट रखा गया है और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपकी बहुत होनी चाहिए। 18 साल के 45 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं टोटल जो बेसिक पे मिलेगा 9,141 रुपया और जो नियोक्ता का अंश है PF रूप में 11,88.33 रुपया मिलेगा, जो कि यहाँ पर ESI का 297 पॉइंट इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के ऑफिस साइड में जाकर पूर्ण रूप से फिल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।